तो हम क्या करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था, एप्लीकेशन ऑफ किर्चॉफ लॉ वॉज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक हाइपोथेटिकल है, मैंने बताया कि उसको करना बहुत मुश्किल है लैब में, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, मशीन बनाई गई। वो मशीन बहुत जल्दी आपको वो कॉम्बिनेशन दे देती है पी क्यू आर का कि उसी टाइम ब्रिज क्या हो जाता है, बैलेंस्ड। विद इन 30 सेकेंड भी नहीं लगेंगे और ब्रिज एकदम बैलेंस हो जाएगा इतनी जल्दी। तो वो मशीन लैब के अंदर आपको दिखेगी, आपके स्कूल और उसमें कॉलेजेस में लैब में अगर आप प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे दिखाएंगे आपको। ये मशीन 1 मीटर लंबी होती है, लकड़ की बनी हुई, ठीक, 1 मीटर, 1 मीटर लंबी है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज। ठीक, देखने में कैसी है, देखने में ये ऐसी है जिसके अंदर आपको ये क्या गिवन है, एक रेजिस्टेंस आर गिवन है, एक रेजिस्टेंस एक्स गिवन है, एक पी गिवन है, और ये या पहले ऐसे समझते हैं, एक आर गिवन है रेजिस्टेंस, ये नॉन रेजिस्टेंस है, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। एक्स जो अननोन रेजिस्टेंस है वो यहां पुट करनी है। ये वुडन का पूरा मटेरियल है, स्केल लगा होगा यहां पर, स्केल 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक है, यानी कि लेंथ क्या है, 1 मीटर है, 1 मीटर का मतलब ये मीटर ब्रिज है। स्केल सिर्फ लेंथ मेजर करने के लिए काम आती है। यहां पर एक और वायर लगी होगी, इसको मीटर ब्रिज की वायर बोलते हैं, ये मीटर ब्रिज की वायर है, 100 सेंटीमीटर लंबी होती है ये। एक वायर डी से होती हुई, गैल्वेनोमीटर से होती हुई इस वायर को टच करती है और करंट के लिए नीचे एक बैटरी लगाई जाती है। अब कई लोग सोचते हैं कि नया टॉपिक है, नहीं नया टॉपिक नहीं है, ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। ये रेजिस्टेंस आर है, तो चलो ये रेजिस्टेंस को ले लेते हैं आर, बना लिया अलग से। अब मैं क्या करूंगा, ये रेजिस्टेंस आर अंदर इस वुडन बॉक्स के अंदर यहां पे कनेक्शन बना हुआ है ऐसा, डी पॉइंट। तो आर किसके साथ कनेक्टेड है, फर्दर डी पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, और डी के साथ एक्स रेजिस्टेंस है जो अंदर ही अंदर सी के साथ कनेक्टेड है। तो डी के साथ क्या कनेक्टेड है, सी, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स। तो डायग्राम देख रहे हो, देखो अंदर ही अंदर कनेक्शन बने हुए हैं। तो ये आर है, आर अंदर ही अंदर किसके साथ कनेक्टेड है, पॉइंट ए, तो ये पॉइंट क्या है, ए, सही है। आगे ध्यान से देखना, ये पूरी वायर है, ए पॉइंट फर्दर किसके साथ कनेक्टेड है, बी, तो ए पॉइंट फर्दर बी के साथ कनेक्टेड है, और बी पॉइंट फर्दर सी के साथ कनेक्टेड है, बी पॉइंट फर्दर सी के साथ कनेक्टेड है, और बीच में डी और बी में, डी और बी में क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। देखो डी और बी में गैल्वेनोमीटर, डी और बी में गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की जो वायर है यहां पे, ये इस वायर पे स्लाइड कर सकती है, इस पॉइंटर को जो स्लाइड कर सकता है, इस पॉइंटर को बोला जाता है जॉकी, तो जॉकी मूव कर सकती है। अब जॉकी मूव करने से क्या होगा, जब जॉकी मूव करती है तो लेंथ लेफ्ट और राइट की चेंज होगी। अब क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर है, तो इस पोर्शन की लेंथ अगर कम है तो इसकी रेजिस्टेंस कम है। तो मान लो इसकी रेजिस्टेंस P है, जब लेंथ इसकी L है, और बची हुई लेंथ 100 माइनस L है, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है वायर की, Q है। अब सोचो जब आप मिड पॉइंट में लेके आते हो जॉकी को, तो 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, तो लेफ्ट और राइट P और Q की रेजिस्टेंस सेम है। जितनी छोटी लेंथ करते जाओगे जिस पोर्शन का रेजिस्टेंस गिर जाएगी, बड़ी करते जाओगे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको बार बार सर्किट ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, जॉकी घुमा के आप रेजिस्टेंस को आसानी से चेंज कर सकते हो। तो आपके सामने सेम डायग्राम है, फिर ए और सी में बैटरी लगी हुई है, ए और सी में यहां पर बैटरी। तो देखा जाए तो ये डायग्राम और ये डायग्राम में कोई फर्क है ही नहीं। तो एक्चुअल में ये क्या है, मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का ही पार्ट है, सेम ही चीज है अंदर। क्या ये बात समझ में आती है पहले? तो अब इसमें करना क्या है, तो आपको इसमें आएगा मीटर ब्रिज, और इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है, स्लाइड वायर ब्रिज। क्यों? क्योंकि जो स्लाइड वायर ब्रिज है उसमें जॉकी क्या कर सकती है, स्लाइड, इसलिए इसका नाम है स्लाइड वायर ब्रिज। तो इसके अंदर करना क्या है, ये जब आप अननोन रेजिस्टेंस को यहां पुट करेंगे, बैटरी ऑन करेंगे, करंट ही करंट जाएगा, करंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, हर में करंट ही करंट है। अब आपको एक ऐसी स्टेज लानी है जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आ जाए, जीरो। जीरो में क्या होगा, वो बैलेंस्ड हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, जॉकी मूव करवाओगे, जैसी मूव करवाओगे गैल्वेनोमीटर की, मान लो रीडिंग यहां पर जीरो आ गई, पी और की ऑटोमेटिकली चेंज करके अपनी गैल्वेनोमीटर रीडिंग जीरो कर गए, तो ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस। तो आपने स्केल से ये लंबाई मेजर कर लेनी है एल, तो बची हुई लेंथ क्या है, 100 माइनस एल, इस लंबाई एल को बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। तो ये लंबाई एल क्या है, बैलेंसिंग लेंथ, जब ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस्ड। तो अब इस केस में मान लो रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है पूरी वायर की, एक किस्म की वायर है,
तो अगर मैं कहूं कि P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू होगी रो L बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, और Q की वैल्यू क्या है रो इनटू 100 माइनस L अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A. इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो Q बाय P की क्या आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि ब्रिज बैलेंस्ड है. तो R बाय X इज इक्वल टू P बाय Q लगा सकते हैं. तो R बाय X इज इक्वल टू P बाय Q, X निकालना है. तो यहां से Q अपॉन P की रेशियो 100 माइनस L बाय L पुट कर देना. फॉर्मूला रजिस्टर में नोट कर लो, फॉर्मूला मीटर ब्रिज का फॉर्मूला है X unknown resistance is 100 minus L by L into R. वैसे ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, पर याद करता नहीं हूं मैं, क्योंकि जब क्वेश्चन गिवन होता है ना तो मैं सिंपली यहां से देख लेता हूं. बैलेंसिंग लेंथ मान लो गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो बची हुई लेंथ कितनी है 70. तो सिंपल एक रेशियो लगा देना, R upon X is equal to 30 by 70, डन. क्या करना, फॉर्मूला याद, डन हो गया. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि मीटर ब्रिज कैसे काम करेगा, बस रेशियो ऊपर नीचे की सेम लेके आंसर आ जाएगा. इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ये आ सकता है, मीटर ब्रिज जो है नोट है इज मोर सेंसिटिव व्हेन रेजिस्टेंसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर. मीटर ब्रिज बढ़िया काम करेगा जब रेजिस्टेंसेस सेम ऑर्डर की हैं. मतलब ऐसा ना हो कि आपकी आर रेजिस्टेंस है 3000 ओम और आपकी एक्स रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस है मान लो 0.5 ओम. क्यों? क्योंकि जब आप बहुत बड़ी वैल्यू को बहुत छोटी से डिवाइड करते हो, या मान लो 0.75 ओम, क्योंकि इसमें क्या लगनी है रेशियो P by Q is R by X. अब R की वैल्यू सपोज आपने बहुत बड़ी ले ली, X छोटा ले लिया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली P बड़ा आएगा और Q छोटा आएगा. P बड़ा आएगा, P बड़ा होने का मतलब ये जॉकी आपको यहां नहीं मिलेगी, जॉकी आपको यहां मिलेगी, क्योंकि जितनी बड़ी लेंथ होएगी जॉकी उतनी लंबाई शो करेगी, लेंथ बढ़ जाएगी. तो सोचो आपने बहुत बड़ी वैल्यू ले ली ना 3000 ओम, तो P अगर ये बड़ा है तो ये भी बड़ा हो जाएगा, तो जॉकी आपको कोने में कहीं ढूंढनी पड़ेगी. अब ये बड़ा मुश्किल सिचुएशन है, अगर रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है तो लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी P की, और आपको जॉकी कहीं यहाँ पे जाके मिलेगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार एंड पॉइंट पे छूट रही है या नहीं छूट रही, तो कैलकुलेशन करनी मुश्किल हो जाती है. बेस्ट तरीका ये है, अगर ये 3 ओम है तो अप्रोक्सीमेटली ये भी 3 ओम के आसपास होना चाहिए, मतलब 3 एग्जैक्टली नहीं, 2.5 3.5 अंदाजे से उनमें से किसका फर्क होना चाहिए. इससे आपको जॉकी कहां मिलेगी बताओ, अगर ये 3 है तो ये 3 है तो जॉकी कहां मिलेगी एग्जैक्टली मिड पॉइंट में 50-50, क्योंकि 3/3 50/50. तो इससे आपकी रीडिंग लेनी बहुत आसान हो जाएगी, तो आप क्लियरली इसको रीड कर सकते हो. तो इसलिए पहला नोट है कि इट इज यूज फॉर मेजरिंग मॉडरेट रेजिस्टेंस. आप इसमें 3000-4000 ओम रेजिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते, इतनी बड़ी रेजिस्टेंस में जॉकी बिल्कुल क्रॉस कर जाएगी एंड पॉइंट को, तो मेजर क्या करोगे, छोटी मोटी रेजिस्टेंस मेजर करो ताकि जॉकी कहीं वायर के बीच में मिले आपको, इतनी लंबी लेंथ ना हो जाए कि कहीं वो क्रॉस ही हो जाए. तो इसलिए मॉडरेट रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम आएगा. रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर स्ट्रिप्स एंड कनेक्टिंग वायर बिकम कंपेरेबल टू द अननोन रेजिस्टेंस एंड कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड. वो कह रहे हैं कि इस प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ये मॉडरेट रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए काम आता है, बहुत हाई रेजिस्टेंस में लेंथ लंबाई बड़ी हो जाएगी तो वो जाके आपका जो जॉकी है उतनी कहां जाके मिलेगी आपको, तो गड़बड़ है. बहुत लो रेजिस्टेंस मेजर करनी है 0.1 ओम तो भी प्रॉब्लम है, एक तो जॉकी एंड पॉइंट पे मिलेगी बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे. दूसरा एक और प्रॉब्लम है, जो लो रेजिस्टेंस है होता क्या है, ये वायर कहीं इस स्क्रू पे बांध रखी होगी, लपेट, जैसे गिटार की स्ट्रिंग है लपेट रखी होगी. अब पता लगे कि आपकी रेजिस्टेंस है 0.01 ओम और उतनी रेजिस्टेंस तो आपकी लपेटी हुई वायर में ही आ गई 0.01 ओम, तो मेजर क्या करोगे, जॉकी घूम घूम के थोड़ा जाएगी स्क्रू के अंदर. तो टू लो रेजिस्टेंस की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉपर स्ट्रिप्स जो हैं इनकी वायर, इनकी रेजिस्टेंस हम निगलेक्ट करते हैं, लपेटी हुई वायर की रेजिस्टेंस भी निगलेक्ट करते हैं. पर अगर ये टू लो हो जाएगी तो लपेटी हुई वायर की रेजिस्टेंस और कॉपर स्ट्रिप्स की रेजिस्टेंस से ज्यादा हो गई, तो मेजर क्या करोगे, फिर तो गलती आंसर आएगा. पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये प्रॉब्लम है, तो इसीलिए वो क्या कह रहा है, मॉडरेट रेजिस्टेंस मेजर करने के काम आएगा. दूसरा क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में, मटीरियल यूज फॉर वायर ऑफ मीटर ब्रिज इज मैगनिन या कॉन्स्टेंट 10. ये पहले भी यूज हुआ था मटीरियल, क्योंकि दे हैव हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस की वैल्यू इनकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है. मैंने बताया था ये अलॉयज हैं और अलॉयज की रेजिस्टिविटी हाई हो जाती है, तो इसलिए ये यूज की जाती है, राइट? तो इसकी हाई होने से फर्क क्या होगा, रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी. रेजिस्टेंस हाई होगी तो आप कम से कम मेजर तो कर पाओगे वायर में कुछ ना कुछ. अगर रेजिस्टेंस ही बहुत लो होगी तो चौकी काम मूव करेगी, अगेन सेम प्रॉब्लम. तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं जो पूछी जाती हैं, और मीटर ब्रिज पे ये टॉपिक पूछा जाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है.